नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह हूँ और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। मालदीव ने नाकाम की पाक की चाल, इस्लामोफोबिया के आरोप पर भारत का साथ। कोरोना वैक्सीन की उम्मीद बढ़ी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टेस्ट अगले स्टेज पर। जौनपुर की जगह वाराणसी पहुंच गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन, हुआ हंगामा। जामा मस्जिद में हुई अलविदा जुमे की नमाज, रो पड़े शाही इमाम। चेन्नई में एससी समुदाय को लेकर हेड स्पीच के मामले में डीएमके सांसद आरएस भारती गिरफ्तार। केरल में 180 भारतीयों को लेकर दुबई से कोची एयरपोर्ट पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट। नोएडा में ट्रेन या हवाई जहाज की टिकट कंफर्म होने पर लोगों को नहीं पड़ेगी पास की जरूरत। सिक्किम में 15 जून से खोले जाएंगे स्कूल, 9वीं और 12वीं के बच्चों की होगी पढ़ाई। लद्दाख में ईरान से लौटे 2 कारगिल के निवासियों की कोरोना टेस्ट आई पॉजिटिव। यूके में गृह मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बनाया 14 दिन के लिए क्वारंटाइन नियम। इंदौर में शुक्रवार को कोरोना के 83 नए मामले आए सामने, कुल संख्या हो गई 2,933। पुणे में कोरोना से शुक्रवार को 291 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही 189 मरीज ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 231 नए मामले मिले हैं और राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 5,735 हो गया है। गुजरात में N95 मास्क की कीमतों को लेकर मचा बवाल, कांग्रेस ने लगाया महंगे दामों का आरोप। हरियाणा बीजेपी के नेता चंद्र प्रकाश कथुरिया मकान की दूसरी मंजिल से नीचे गिरे। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और विस्तारा ने बुकिंग शुरू की दिल्ली और मुंबई रूट पर, एयर इंडिया ने घटाया किराया। कोरोना से 24 घंटे में 142 लोगों ने दम तोड़ा, इंदौर में एक डॉक्टर ने गंवाई जान। पुलवामा में सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट नाका पार्टी में आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। पीएम मोदी का बंगाल को 1,000 करोड़ और उड़ीसा को 500 करोड़ का मदद का ऐलान, ममता बोली ये एडवांस या पैकेज, पीएम मोदी ने नहीं बताया। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक, आर्थिक पैकेज को जनता के साथ क्रूर मजाक बताया। झारखंड में अब तक 3,15,000 से ज्यादा प्रवासियों को वापस लाया गया। यूपी में अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर लगी रोक, नोटिफिकेशन जारी। कर्नाटक के व्यक्ति ने चुराई आंध्र प्रदेश की सरकारी बस, बेंगलुरु के रास्ते पर पकड़ा गया चोर। डीएमके सांसद गिरफ्तार, अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ द्वेषपूर्ण भाषण का आरोप। सूरत के सैलून में पीपीई किट पहनकर हो रहा काम, बुकिंग करने वालों को ही प्रवेश।